हेलो फ्रेंड्स, मेहताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो वॉशिंग मशीन के बारे में है। हम ये वॉशिंग मशीन में हम इसमें बफर चेंज करेंगे। देखिए, ये सैमसंग कंपनी की 8 किलो की वॉशिंग मशीन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस बफर को चेंज करेंगे। तो हम इसको आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर का मैंने बफर निकाल चुके हैं। तो हमने ये बफर निकालने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, ये अंदर साइड ये देखिए, अंदर साइड यहाँ इसमें से बफर निकला हुआ है। तो इसका जो खांचा होता है, यहाँ से हमको पूरी तरह से ये अच्छी तरह से इसको साफ कर लेना है। अब साफ करने के बाद इसलिए साफ कर लेते हैं कि क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन लगेगा वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अगर इसमें मिट्टी रहेगी तो ये सोल्यूशन हमारा सही से काम नहीं करेगा, वो पानी यहाँ से रिस के हमारी मोटर के ऊपर जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ये पूरी तरह से रोज इसको साफ कर लेते हैं। और साफ करने के बाद इसको हम ब्रोवर से इसको थोड़ा सा ये पूरी तरह साफ कर लेंगे कि इसके अंदर मिट्टी बिल्कुल न रहे। तो इसको फिर बाद में हम साफ करने के बाद इसमें हम ट्यूब लगाते हैं। ये जो हमारा खांचा है इसमें हम ये ट्यूब लगाएंगे, जिसके वजह से ये हमारी रबड़ पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठ जाए। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ये ट्यूब पूरे इसमें लगा दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, ये बफर में भी हम ये ट्यूब को लगाएंगे। ये अच्छी तरह से ये पूरे तरफ इसको बफर में ये हम ट्यूब को इसको लगा देते हैं। ये मैक्सो बांड को ये पूरी तरह से लग गया है। अब इसको क्या करना है हमको, ये दोनों तरफ इसको सब बैठालने के लिए ये दोनों अंगूठे के जरिए से इसको उस पर खांचे में बीच में रख के गोलाई में और इसको एक झटके में लगा देंगे, जिससे कि ये हमारा एकदम बफर एकदम फिट बैठ जाएगा। तो देखिए, हम आपको सामने इसको लगाते हैं। ये मैंने इसको बिल्कुल बीचों बीच में रखा हुआ है और ये देखिए एक झटका मैंने लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पूरी तरह से बफर हमारा बैठ गया है। ये देखिए, ये अब हम आपको क्या करते हैं, ये हम पीछे साइड आपको दिखा देते हैं बफर को कि आपका बैठा है कि नहीं बैठा है। देखिए, हम वॉशिंग मशीन को ये उठाने के बाद देख सकते हैं कि बफर हमारा पूरी तरह से बैठा है। अगर मान लीजिए अगर कोई दिक्कत हो, थोड़ा बहुत खांचा अंदर साइड हो, तो हम ऐसे हाथ डाल के इसको कायदे से खींच के पूरी तरह से बैठा सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है, तो मार्केट में अभी हमारे पास ये एक नया टाइप का बफर आ गया है, जिसको लगाना बहुत ही आसान होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये चूड़ी वाला सिस्टम होता है। ये इसको आप खोल के और इसमें यहाँ पे आप इसके कोने पे पूरे में ये सोल्यूशन लगाने के बाद ये अंदर साइड से ऐसे लगा देते हैं और बाहर साइड से ये चूड़ी इसका ऐसे करके इसको टाइट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।